वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। तीन रंग वाले दो गुने 3 फीट के झंडे की कीमत आम दिनों में नहीं समझ आती। इसकी अहमियत का पता तब चलता है जब किसी देश के नागरिक को उसकी पहचान की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही वाकया यूक्रेन में भी देखने को मिला था, जहां पर फंसे पाकिस्तान और भारत के लोग तिरंगा दिखाकर यूक्रेन और रूस की सेना के सामने से छाती चौड़ी करके अपने अपने वतन लौट गए। इन सबके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान के करते रहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तिरंगे की तेजी से वायरल हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको पूरा माजरा बताते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक साइकिल स्टोर मालिक के राष्ट्रीय ध्वज से साइकिल साफ करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। काफी संख्या में स्थानीय लोग यहां थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी का नाम रफीफ बताया जा रहा है। बनबुलापुर के लाइन नंबर 16 के रहने वाले रफीफ की मंगल पड़ाव के स्थित बाजार में रफीफ साइकिल वर्कर्स के नाम से दुकान है। रफीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में रफीफ तिरंगे से साइकिल साफ करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ये शख्स पहले साइकिल साफ करता है और फिर ध्वज से उस हाथ से उठाकर उसे नीचे गिरा देता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तिरंगे का अपमान करार दिया है। कुछ ही देर में वीडियो शहर भर में फैल गया। गली नंबर 10 के रामपुर के रहने वाले ढिंडोरा नाम के जब वीडियो देखा तो कार्यकर्ताओं को काफी गुस्सा आ गया। हिंदू संगठनों ने यहां पर बवाल कर दिया कि इसकी गिरफ्तारी कहीं से कहीं जरूर होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और इसको थाने लेकर गई। वही हंगामा देखकर पुलिस ने यहां पर पुलिस बल भी पूरे मौके पर तैनात कर दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तिरंगे का अपमान मामला बिल्कुल सही था। इसके बाद कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में पुलिस ने रफी पर राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।